आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने किया आउटसोर्सिंग भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन। चित्रकूट जनपद में प्रदेश संगठन के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग से भर्ती किए जा रहे ECC एजुकेटर की भर्ती के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए ECC एजुकेटर की भर्ती को रद्द कर आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्षों तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग से ECC एजुकेटर की भर्ती की जा रही है, जिसके विरोध में आज आंगनबाड़ी सहायक संघ ने भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में अपना विरोध प्रदर्शन किया है और ADM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर भर्ती रद्द कर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को ही ये जिम्मेदारी सौंपने की मांग की है। आंगनबाड़ी सहायक संघ की जिलाध्यक्ष उषा द्विवेदी का कहना है कि सरकार द्वारा जो 10,000 रुपए के मानदेय में आउटसोर्सिंग से ECC एजुकेटर की भर्ती की जा रही है, ये उनके साथ गलत किया जा रहा है। वह लोग महज 6,000 में नौकरी कर रही है और सरकार की 6 सेवाओं को देख रही है, बावजूद इनके उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार अलग से आउटसोर्सिंग से 10,000 रुपए के मानदेय में भर्ती की जा रही है। इसलिए सरकार से उनकी मांग है कि ये भर्ती रद्द कर उनको ही पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए और उनका मानदेय 6,000 की जगह 10,000 कर दिया जाए और वह बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेंगी, क्योंकि वह कई वर्षों से काम कर रही है इसलिए बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती है। आज हम लोग, मेरा नाम उषा द्विवेदी है, हम लोग आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन से है, मैं उसकी जिलाध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी हूँ। साथ ही हम लोग आज जो इस कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं, जो शासन द्वारा ECC एजुकेटर की नियुक्ति की जा रही है जिसमें 10,313 मानदेय है, तो हमारा कहना है कि जब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां पहले से काम कर रही हैं, 6 सेवाओं पे काम कर रही हैं, जिनका शाला पूर्व शिक्षा है, स्वास्थ्य जाँच है, टीकाकरण है, संदर्भित सेवाएं हैं, इस तरह करके हमारी 6 सेवाएं हैं, हम लोग 6 सेवाओं पे काम कर रहे हैं, तो सरकार आखिरकार हम लोगों का ही मान दे 6,000 दे रही है, 6,000 में 4,000 और जोड़ के 10,000 दे दे, क्या जरूरत है? हम उसे अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग 35 वर्ष से यही काम कर रहे हैं। आखिरकार आदमी कहते हैं कि माँ ही पाठशाला होती है, हम लोग तो माँ ही है, माँ जितना अच्छा बच्चे को पाल सकेगी 3 साल से 6 साल के बच्चे को, वो छोटा कोई भी आएगा आउटसोर्सिंग से एक नया लड़का, वो या लड़की कैसे पढ़ाएगी? वो तो कहते हैं कि वीडियो वाले छोटे बच्चों को नहीं, जो बीएड करते हैं वो छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। आखिरकार तो मुख्य मांग हमारी ये है कि आउटसोर्सिंग जो ये ECC एजुकेटर भर्ती किया जा रहा है, इसको रद्द करके आंगनबाड़ियों को ही मानदेय एक सम्मान दिया जाए, 10,000 मानदेय, 10,000 से नीचे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं, 10,000 मानदेय आंगनबाड़ियों को दे दिया जाए, आंगनबाड़ी ACC एजुकेटर की तरह ही पढ़ाने को हर तरह से। आज हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं माननीय जिलाधिकारी के लिए, हम लोग की प्रदेश के आह्वान पर आज ज्ञापन देने की बात थी जी। किसके द्वारा ज्ञापन? हमारे माननीय ADM साहब ने लिया है, जबकि हम लोग को DM साहब के लिए एक बजे का समय दिया गया था, वो बगल से ही निकल गए, लेकिन वो नहीं लिए ADM साहब को। सरकार से मांग करते हैं कि एजुकेटर की भर्ती निरस्त करके आंगनबाड़ियों को ही 10,000 मान दे दिया जाए, आंगनबाड़ी ECC एजुकेटर की तरह पढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनको लोकेटेड प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, वो प्रशिक्षण कर चुकी हैं, अब वो ही पढ़ाएंगी। हम लोग मांगे नहीं मानेंगी तो आगे हमारी रणनीति तैयार होगी प्रदेश स्तर से, और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और जितना भी उपद्रव कर सकते हैं हम लोग करेंगे, लेकिन भर्ती बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं करेंगे। मेरा नाम उषा द्विवेदी, जिला अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री। JB हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।